इमरान खान के पाकिस्तान का एक सच ये भी है कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, वो भी खुलेआम। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लड़की दिखाई दे रही है, इसका नाम अब आयशा है, लेकिन चंद दिनों पहले तक इसकी पहचान जगजीत कौर के तौर पर थी। ये ताजा सबूत है पाकिस्तान की उस बर्बर सोच का, उस कट्टरपंथी समाज का, जहां न जाने कितनी जगजीत कौर आयशा बना दी जाती है। बेटा क्या नाम है आपका? जगजीत कौर। आप नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है ना जी? कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। अच्छा, निकाह भी अब अपनी मर्जी से कर रहे हो ना जी? कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। बेटा एज कितनी आपकी? 19 साल। अच्छा, घर से कोई चीज तो नहीं लेके आए, कोई जेवर वगैरह या कोई कीमती चीज? नहीं। कोई कीमती कागजात वगैरह? ताजा वीडियो में जगजीत कौर खुद को आयशा कह रही है। पाकिस्तान इसे दुनिया के सामने ये बताकर पेश करेगा कि जगजीत कौर ने अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल किया है, लेकिन आप इस वीडियो को और जगजीत से आयशा बन चुकी इस लड़की के चेहरे को पढ़िए। इसके चेहरे पर खौफ का नकाब आसानी से देखा जा सकता है। सवाल पूछने वाले काजी साहब का तरीका ही ऐसा है कि वो डरी सहमी सकुचाई जगजीत से अपने सवाल में ही उसका जवाब तय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगजीत। आप नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। फिर तुरंत ही पास बैठे मुस्लिम लड़के के साथ उसका झटपट निकाह भी पढ़वा देते हैं। कागजात वगैरह? आप आकिल हैं, बालिग हैं, रूबरू बहू के वास्ते हलालियत के जरूरत के। आपका निकाह मोहम्मद हसन वल जुल्फकार अली के साथ 50,000 रुपए हकमर गैर मुज्जल, 5,000 रुपए हकमर मुज्जल की वजह निकाह कर दें, इजाजत है? जन्म से जगजीत कौर की पहचान सिख की थी और पिता ननकाना साहिब के गुरुद्वारा तंबू साहिब में ग्रंथी हैं, लेकिन बिटिया को अब मुसलमान बना दिया गया। गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। परिवार ने पुलिस को जो तहरीर दी थी उसके मुताबिक उनकी बेटी को बंदूक की नोक पर करीब आधा दर्जन लोगों ने अगवा कर लिया था, लेकिन पुलिस ने उसे तलाशने की कोशिश तक नहीं की। रिपोर्ट में भी सिर्फ अपहरण का जिक्र है और कहीं भी पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन की बात नहीं लिखी है। पाकिस्तान में जबरन मजहब लूटने वाले समाज का कबूलनामा खुद इमरान खान तक कर चुके हैं। आज के पाकिस्तान की यही सच्चाई है, जो न सिर्फ बॉर्डर पर बौखलाया है बल्कि अंदरूनी इलाकों में भी उसका कट्टरपंथ न जाने कितनी जगजीत को जबरन आयशा बना रहा है।